नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की रक्षा को लेकर के आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दरअसल दोस्तों, गुजरात के वडोदरा में आज एक कंपनी का इनॉग्रेशन हुआ है। उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, C-295। ये जो टेक्नोलॉजी है ये स्पेन की टेक्नोलॉजी है। दरअसल ये जो प्रोडक्ट भी है ये स्पेन का है। स्पेन के राष्ट्रपति अभी इंडिया में आए हुए हैं और प्रधानमंत्री और स्पेन के राष्ट्रपति दोनों लोगों ने मिल करके वडोदरा में जो टाटा की कंपनी है उसके साथ वहां पर एक कंपनी का उद्घाटन किया है, जहां पर इस प्रोडक्ट का, ये एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड तो कहना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, बिकॉज वो असेंबली होगी और उसमें ओवरऑल 14,000 आइटम्स लगेंगे। उन 14,000 आइटम्स में 13,000 आइटम जो होंगे, 13,000 वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद लगेंगे। इसलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा हूँ कि 14,000 में 13,000 आइटम्स इंडिया के होंगे, 1,000 आइटम्स दूसरे और जगह के होंगे। उसमें स्पेन भी है, एक मेजर स्पेन है, क्योंकि मेजर ये स्पेन की ही डिज़ाइन है, स्पेन का ही ये प्रोडक्ट है, तो वो इंडिया में बनेगा। और ये जो फ़ायदा इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये है कि इससे हम अपने यहाँ किसी भी सोल्जर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं। उसमें 71-73 सोल्जर को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाया जा सकता है। दूसरा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेपन को लेकर जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ये कभी भी वॉर हो या कोई आपदा आ गई हो, वहाँ पर इसका ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, इसका एक और भी ये फ़ायदा है कि इससे हवा में ही किसी भी एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा राफेल किसी जगह पर पेट्रोलिंग कर रहा है, वो हवा में उड़ रहा है और उसकी फ्यूल ख़त्म हो गया है, उसको फ्यूल चाहिए, ख़त्म होने वाला है, तो ये C-295 जो ये मीडियम रेंज का, मीडियम टू स्मॉल रेंज का जो हमारा एयरबस का एयरक्राफ्ट है, ये जाकर उसमें रिफ्यूलिंग कर देगा। एक ये फ़ायदा है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत से, इंडिया के अलावा बहुत से और देश हैं जो इसको अभी यूज कर रहे हैं। वो करीब 20 है उनकी संख्या, जैसे कि ब्राज़ील है, इजिप्ट है, ये पोलैंड है, ये सब इसको अभी यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक भारत के लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ है कि ये भारत में जब इसकी असेंबली होगी तो और 13,000 प्रोडक्ट्स करीब आइटम्स के जो इंडियन लगेंगे, तो इससे भारत का बिजनेस भी बढ़ेगा। अभी जो स्पेन की जो कंपनी है उसने करीब 37 वेंडर्स इंडिया में शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं जो इसके छोटे छोटे पुर्जे को बनाएगी। दोस्तों, ये एक भारत के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। आपको बता दें कि ये एक छोटी चीज़ नहीं है। आज हम मैन्युफैक्चर करेंगे, असेंबल करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको हम यहीं से एक्सपोर्ट कर रहे होंगे और फिर हमारे देश के वैज्ञानिकों को और दूसरे लोगों को काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा और इसके बाद वो अपना भी इस नए सिरे से इसको अपने लिए बना सकते हैं, अपना कुछ और इसमें एडिशन कर सकते हैं। तो भारत की जो इंजीनियरिंग है उनको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलने वाला है। दोस्तों ये जो कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट ले कर आ रहे हैं C-295, ये समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इसने बिलियन यूरोस कमा कर दिए हैं स्पेन की कंपनी को। ये समझ लीजिए कि अमेरिका भी मतलब इसका फ़ैन है, उसको भी ये लगता है कि ये कहाँ से ये स्पेन के पास है, क्योंकि स्पेन का नाम आप कहीं पे सुनेंगे नहीं। वैसे कहीं इसका बहुत ज़्यादा नाम नहीं आता है एक्सपोर्ट के, डिफेंस के प्रोडक्ट में, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसने स्पेन को अलग लेवल पे लाकर खड़ा किया हुआ है। आपको बता दें कि दोस्तों अभी भी इंडिया के पास ऑलरेडी 6 हैं ये हमारे पास एयरक्राफ्ट, लेकिन अब हमारे यहाँ असेंबली होगी और हमने स्पेन की जो कंपनी है उससे डील करी हुई है कि हमें 56 एयरक्राफ्ट ऐसे चाहिए, जिसमें कि 16 एयरक्राफ्ट तो हमको तुरंत मिल जाएंगे जो अभी बने हुए हैं, रेडीमेड हैं स्पेन के पास, वो हमें डिलीवर कर देंगे, और 40 जो हैं वो इंडिया में ही बनेंगे। दोस्तों, इसको बनने में बहुत समय लगता है। ये समझ लीजिए कि जब इंडिया में सारे कुछ बन जाएगा 40, तब वो बनते बनते 2031 आ जाएगा, 2031 तक ये कंप्लीट हो पाएगा। आपको बता दें कि ये इसका जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो इसको टेक ऑफ और लैंड करने के लिए ज़्यादा लंबा रनवे नहीं चाहिए।
एक किलोमीटर से भी कम का रनवे चाहिए इसको टेक ऑफ करने के लिए, और आधे किलोमीटर से कम का रनवे चाहिए लैंड करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चीज़ है कि एक छोटी सी जगह पर भी ये उतर सकता है और चढ़ सकता है, और ये 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है एक ही जगह पर रह करके। ये इसकी ब्यूटी है, ये भारत के लिए वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।